श्रीकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। आज की जो मेरी रिएक्शन वीडियो है वो है मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफाई का एक बयान, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि तू कायनात है हुस्न है या हुस्न कायनात। तो ये मुझे लगता है कि अल्लाह के ऊपर बोला गया होगा या नबी के लिए बोला गया होगा। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तभी हमें पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक नौजवान लड़का है जिसका नाम अबू किरसाफा है, बकरियां चराता है और अपनी खाला के यहाँ कयाम पजीर है। तो एक दिन उसने हुजूर को देख लिया और खुशकिस्मती के हुजूर ने भी उसे देख लिया। तेरी पहली नज़र का वार तौबा, दिल अब तक दुआएं दे रहा है। तो अब उसको सब बकरियां भूल गईं। वो बकरियां लाता है और चरागाह में छोड़ता है और आके हुजूर की मजलिस में बैठ जाता है। एक दिन खाला को पता चल गया कि ये तो सारा दिन वहाँ बैठा रहता है, तो उसने सख्ती से मना कर दिया कि तुम वहाँ नहीं जाओगे। अब एक दिन तो काटा, दो दिन काटे, लेकिन बर्दाश्त नहीं होता। आके अपनी माँ को और खाला को बिठा के अबू किरसाफा कहने लगे, नौजवान लड़का है, कि मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, नहीं जाऊँगा, लेकिन एक बात तो मेरी मान लो। उन्होंने कहा, क्या? कहा, एक बार तुम मेरे साथ चलो तो सही, उसके बाद अगर तुमने रोका तो रुक जाऊँगा, एक बार तुमने मेरे साथ जाना है। उन्होंने कहा, ठीक है, हम चले जाते हैं। हामी भर ली, ख्याल था कि ठीक है, इसकी कहने पर हो आते हैं और उसके बाद जो है वो इसको फिर जोर भी देना पड़ेगा, इसकी शर्त पूरी हो जाएगी। अब अबू किरसाफा अपनी माँ को अपनी खाला को लेकर हुजूर की दहलीज पर पहुँचा, कुछ देर बैठे और वापस चले। तो उसे बेचैनी थी कि अब ये क्या बोलते हैं, क्योंकि उसका मुस्तकबल भी इस पर लगा हुआ था। अब इसके दिल की धड़कने थम रही हैं कि पता नहीं मेरी माँ क्या बोलती है, मेरी खाला क्या बोलती है। तो अबू किरसाफा की खाला ने बोल के कहा, मा रअयना मिसला हाज़र रजुल, ज़िंदगी में ऐसा सोना बंदा देखा ही नहीं। लखां लोग आए ज़माने ते, महबूब खुदा जिया कोई नहीं। लखां लोग आए ज़माने ते, महबूब खुदा जिया कोई नहीं। लखां सोने बण बण बहिंदे ने, उहदी खाके पा जिया कोई नहीं, उहदी खाके पा जिया। और आज़म चिश्ती मरहूम सारी ज़िंदगी हैरत में गुजार देते हैं और लिखते हैं कि समझा नहीं हुनूस मेरा इश्क बेसबात, समझा नहीं हुनूस मेरा इश्क बेसबात। तू कायनात हुस्न है या हुस्न कायनात, तू कायनात हुस्न है या हुस्न कायनात। अहसना वजहन, अबू किरसाफा कितना सोना चेहरा था, कितना सोना चेहरा था। वला अन का सौबन, और जितने सोने कपड़े थे उतने सोने कपड़े भी किसी को पहने हुए नहीं देखा। और तीसरी बात फरमाया, वला अल यना कलामन, जितनी मीठी बातें करता था शहद टपकता था उसके लहजे से। अल्लाह अकबर, उसके लहजे से शहद टपकता था। तेनु सीने दी मैं ठंड आखा, शहद गुलाब ते खंड आखा, तेनु नबियां दा मैं लाड़ा आखा, तेरे हिजर दे विच मैं हाड़ा आखा। तो कहा अबू किरसाफा, आज के बाद हम तुझे नहीं रोकेंगे, सवेरे आया कर, शाम आया कर, दोपहर आया कर, तू जी भर के मोहम्मद के चेहरे को देख। मुख चंद बदर शाह, मथे चमक दी लाट नूरानी, काली जुल्फ ते अख मखमू रखी हिन मद भरियां, दो अबरू कौस मिसाल दिसन, दो अबरू कौस जैती नोक मिजा दे तीर छुटन, लबा सुरख आखां के लाले यमन, चिट्टे दंद मोती दियां हैन करियां। सुभान अल्लाह, मा अजमला का, मा आसना का, मा अकमला का, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, मुश्ताक अखी किथे जा लड़ी। अल्लाह अकबर। अबू किरसाफा की खाला, पहले तो वो कहती थी जाता क्यों है, अब इसकी अपनी कहानी। सौदा लेने के लिए बाजार गए, हाथ उसके बिके जिसके
खरीदार गए। अल्लाह अकबर, कहा कि इतना सोना कलाम करने वाला भी मैंने आज तक नहीं देखा। फिर कहा, अबू किरसाफा क्या कहूँ, लगता था उसके चेहरे में सूरज घूम रहा है, ऐसा हसीन था, ऐसा सोना था। तो बहुत ही खूबसूरती के साथ में नबी की खूबसूरती को बयान किया गया है और इतने सुंदर अल्फाज यूज करना। अच्छा, एक चीज़ थी, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मतलब इस वीडियो में देखते हैं कि अल्लाह की खूबसूरती को बयान किया गया है या नबी की, तो माई फॉल्ट, अल्लाह की खूबसूरती को इसलिए बयान नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह को किसी ने देखा नहीं है। तो इसीलिए इस वीडियो में प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती का ही जिक्र किया गया है, क्योंकि हमें पता ही, हम सबको पता है कि उनसे ज़्यादा खूबसूरत शख्स तो इस दुनिया में कभी कोई रहा नहीं है। तो इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो है ये, बट इसमें बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ यूज़ करके बहुत ही खूबसूरती के साथ में उनकी खूबसूरती को पेश किया गया है। कहाँ तो उनकी खाला उसको नहीं जाने दे रही थी, और बाद में जब उसने बोला कि आप एक बार जाके एक बार मेरे साथ तो चल लो, और वहाँ उनसे मिलने के बाद, उनको देखने के बाद में उनकी खाला इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई उनसे कि वो, उन्होंने उसको तो इजाज़त दे ही दी कि तू तो डेली जा जा, मतलब उनका खुद भी मन करता था कि मतलब हो सके तो मैं भी जाके उनके दर्शन रोज़ ही कर लूँ। तो अगेन, नो डाउट, बहुत ही सुंदर लफ्ज़ यूज़ किए गए हैं और बहुत ही खूबसूरत बयान है ये। और आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय।